हमने आपको दी थी जानकारी कि केतकी का गोरधाना होने वाला है बहुत जल्द, और इसमें आप देखेंगे कि बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट के साथ वरुण लेगा एंट्री, और जो यहां पर मिष्टी और अबीर के साथ बड़ी ही इंटरेस्टिंग बातचीत भी करता आएगा नज़र। दरअसल शो की शुरुआत में आप देखेंगे कि कैसे वरुण अपनी फैमिली के साथ गोरधाने की रस्म के लिए पहुँच जाएगा राजवंश सदन, जहाँ पर अबीर उसके हाथ में एक स्पेशल सा बॉक्स देख कर पूछेगा कि आखिर इसमें क्या है वरुण। तो वरुण टर्न होगा और अबीर से ज़ोर से कहता आएगा नजर कि अबीर भाई आप पूछ रहे थे ना कि आखिर इसमें क्या है, तो आपको मैं बताता हूँ कि आज के इस खास मौके पर मेरे करण भाई को भी बहुत इंतज़ार था, और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आज के स्पेशल डे पर उनकी कुछ यादें भी हमारे साथ रहें। ये कहते हुए जैसे ही वरुण वो मिठाई का सा डिब्बा खोलेगा उसमें नज़र आएगा करण का फोटो। जी हाँ, फोटो फ्रेम यहाँ पर वो लेकर आया है करण के कुछ पुराने कपड़ों के साथ भी, और वो उसे गोरधाने की सेरेमनी के बीचों बीच टेबल पर रख देगा कि वो उसके भाई के ब्लेसिंग है, उसकी याद है। लेकिन जैसे ही अभी फोटो फ्रेम देखेगा उसे मिष्टी के बारे में होने लगेगी टेंशन, और वो कहेगा अपने ही मन में कि आखिर मिष्टी अगर इस फोटो फ्रेम को देख लेगी और उसने करण को पहचान लिया तो वो खुद को सबके सामने नहीं संभाल पाएगी। जैसे ही अभी सोचेगा कि उसे क्या करना है इस फोटो फ्रेम के बारे में, वो देखेगा कि ऊपर से कुहू और मिष्टी के साथ केतकी उतरकर फंक्शन अटेंड करने आ ही रही होती है। यही होगा बहुत ही अपकमिंग ट्विस्ट, जहां पर एक तरफ होगी मिष्टी केतकी और कुहू की एंट्री, तो दूसरी तरफ वरुण ने टेबल पर रख दी होगी करण की फोटो। अब तक तो अबीर मिष्टी को हर एक मोमेंट पर बचाता आया है करण की फोटो ना देखने से, लेकिन क्या अब गोरधाने की रस्म में फैलेगा बड़ा रायता, क्या होगा बड़ा सियापा जहाँ पर मिष्टी देख कर करेगी कुछ और वियर्ड रिएक्ट? आप सबको क्या लगता है कॉमेंट जरूर करें, या फिर एंड मौके पर अबीर कुछ आइडिया निकाल के उस फोटो फ्रेम को छुपा देगा और मिष्टी यहाँ पर नहीं देख पाएगी? आप सबको क्या लगता है, अपनी अपनी राय कमेंट जरूर करें।